और राजा का इस्टेट, जब राजा का यहाँ शासन था गजपति इस्टेट की तरफ से, बड़ौड़िया मठ की तरफ से और राघवदास मठ की तरफ से एक एक दिन के लिए, क्योंकि पहले तीन दिन के लिए यह अधर्पणा होने की व्यवस्था होती थी, तीन तीन हंडियाँ अधर्पणा के रूप में दी थी, किंतु अब एक ही दिन में नौ हंडियों से बने अधर्पणा महाप्रभुओं को अर्पित किए जाते हैं। राजा के इस्टेट से मिलने वाले अधर्पणा की जो जिम्मेदारी थी राजा पर, अब वो श्री मंदिर प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी है। श्री मंदिर प्रशासन अधर्पणा की जो सामग्री है राजा के इस्टेट की तरफ से श्री मंदिर प्रशासन दे रहा है, लेकिन बाकी जो मठ हैं राघवदास मठ और बड़ौड़िया मठ ये अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। प्रभु की सेवा में अधर्पणा की जो सामग्रियाँ होती हैं, जो हंडियाँ होती हैं, तीन तीन छः हंडियाँ जो हैं वो अपनी तरफ से प्रदान करते हैं। अधर्पणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है, केवल अधर्पणा की दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं, केवल अधर्पणा कौन देता है ये नहीं, अधर्पणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अधर्पणा की जो परंपरा है ये 500 साल पुरानी है। रथ पर अधर्पणा अर्पित करने को लेकर बहुत साल पहले दोनों मठ, राघवदास मठ और बड़ौड़िया मठ के बीच विवाद हुआ। तब जो रानी थी जिनका नाम है पटरानी सूर्यमणि पाट महादेव, ये सन 1891 की बात है, तब उन्होंने 1891 और 93 में हुक्मनामा जारी कर इस विवाद का समाधान किया। ये बताया था कि प्रभु की सेवा में विवाद नहीं होना चाहिए, प्रभु तो सबका है, क्योंकि जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ जगत अखिल ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, वे अवतारी हैं, सारे अवतार तो उनसे निकले हुए हैं। वरदांड में ये तीनों दिव्य रथ, तारध्वज, दर्पदलन, नंदीघोष, जगन्नाथ के नंदीघोष रथ हैं, जिसे आप कपिध्वज कहते हैं, नंदीघोष कहते हैं, बलभद्र महाप्रभु दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बलभद्र जो हैं उग्र हैं, सौम्य भी हैं, बलभद्र को बलि कहा जाता है, बलभद्र को शेषनाग का अवतार कहा जाता है, बलभद्र जो हैं लक्ष्मण हैं, बलभद्र जो हैं शेषशायी हैं, बलभद्र जो हैं महाप्रभु जगन्नाथ के बड़े भाई हैं। बड़ा भाई होने का सुख कैसा होता है ये चखने के लिए महाप्रभु बलभद्र का ही रूप है। प्रसंग याद आता है त्रेता का, तब राम बड़े थे यानी जगन्नाथ बड़े थे और लक्ष्मण बनकर बलराम छोटे थे। मन में विचार आया कि हमेशा ये बड़े भाई जो हैं हमें ये कह देते हैं ये कर लो वो कर लो, हम छोटे हैं इसीलिए कोई उनका मुहन उनका विरोध नहीं कर पाते, आपत्ति नहीं कर पाते कि ये हम नहीं कर सकते। तब अंतर्यामी प्रभु राम जान गए और उन्होंने बर दिया, भैया एक नहीं दो दो युग में तुम बड़े बनोगे, द्वापर में और कली में। बड़ा होना कितना कठिन है तब तुम्हें समझ में आएगा कि बड़ा होकर आप पहले जाएंगे, आपका रथ पहले जाएगा, पहंडी पहले होगी, तब आपको पता चलेगा कि बड़ा होना अपराध है, बड़ा होना कठिन है, या छोटे बनकर जो आदेश पालन करता है वो काम कठिन है। आगे जगन्नाथ की इस कथा, जगन्नाथ की इस गाथा, जगन्नाथ की इस वचनामृत, जगन्नाथ की इस अमृत कथा को आप लोगों के सामने रखने के लिए इस आंखों देखा हाल अधर्पणा की इस नीति कांति सुभद्रा मैया जो हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं उनके बारे में और रथों के बारे में, अधर्पणा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में, तांत्रिक पद्धति जो है, तांत्रिक रीति नीति जो है उसके बारे में, और जो आंखों देखा हाल उसे आप लोगों के सामने ले जाने के लिए मैं प्रोफेसर स्मरप्रिया जी मिश्र से आग्रह करता हूँ कि वे आएँ और जगन्नाथ की ये आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाएँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।